चलो तो कल हम बात कर रहे थे लोथर मेयर का। लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम में और मास में ग्राफ बनाया था, और ग्राफ बनाने के बाद उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का एनालिसिस किया था। उसके बाद उसने जो ऑब्जर्व किया वो चार पॉइंट उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो जो ग्राफ है ना, ग्राफ में तुम लोग देखते रहना, कल मैं ग्राफ तुम्हें दिया था, मोबाइल में दिखाया था ना, मैं ग्राफ बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो उस ग्राफ में देखते रहना चार ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, और उस ग्राफ को अपने नोटबुक में ड्रॉ भी कर लेना, स्पेस छोड़ के नोटबुक में ड्रॉ कर लेना। समझ लो का? तो पहला उसमें लिखना कि उसका ऑब्जर्वेशन में अल्कली मेटल हैविंग लार्जेस्ट वॉल्यूम, अल्कली मेटल हैविंग लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑक्युपाई द मैक्सिमा ऑफ द कर्व, अल्कली मेटल हैविंग लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम ऑक्युपाई मैक्सिमा ऑफ द कर्व। तो तुम्हें मैं कल पीडीएफ भेजा, पीडीएफ नहीं, पीक लेने के लिए बोला था, उसमें ऑब्जर्व करो। मैक्सिमम मतलब पीक पर, तो देखो पीक पर अल्कली मेटल है कि नहीं है। अल्कली मेटल बोले तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम दिख रहा है पीक पर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो पहला क्यों रुबिडियम हाईएस्ट नहीं दिखेगा, सारे पीक पर, यहां भी पीक आया होगा, यहां भी आया होगा, यहां सारे पीक पर, यहां 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 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? केवल रुबिडियम हाईएस्ट नहीं है, लिथियम होगा यहाँ, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, यानी हर पीक पर कौन होगा? अल्कली मेटल है कि नहीं है? झूठ मत बोलना, झूठ नहीं बोल रहे हो ना, खरत खरत सांगो। सेकेंड, द अल्कलाइन अर्थ मेटल मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये जो है ऑक्युपाई द मिड पॉइंट पोजीशन ऑन द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, यानी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो डिसेंडिंग, यानी ये डिसेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग के मिड पॉइंट में है। ऑब्जर्व करो है कि नहीं है, सारे ग्राफ में ऑब्जर्व करो कि जो जितने भी डिसेंडिंग पॉइंट पर है, सब डिसेंडिंग पॉइंट के मिड में मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है या नहीं है? लिथियम पीक पर नहीं रह रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे है ना, कॉमन बात करेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखोगे ना, अल्कली मेटल सबसे पीक पर होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग ऑर्डर के मिड में होता है। तीसरा ऑब्जर्वेशन, हैलोजन ऑक्युपाई, हैलोजन किसको बोलते हैं?
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हैलोजन ऑक्युपाई पोजीशन ऑन एसेंडिंग पोर्शन, एसेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व बिफोर इनर्ट गैस। जो हेलोजन फैमिली है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के पोजीशन में हो, ये डिसेंडिंग है, सॉरी एसेंडिंग, एसेंडिंग ऑर्डर में होगा। ये जो एसेंडिंग था कर्व में, इधर होगा एसेंडिंग पॉइंट पर, यहां फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, ऐसे होगा, दिख रहा है। लक्ष्य ठेवा इकड़े, ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक एलिमेंट ऑक्युपाई ऑक्युपाई मिनिमा ऑफ द कर्व, मिनिमा ऑफ द कर्व यानी मिनिमा मतलब सबसे लोएस्ट, इस पॉइंट पर, इधर मिनिमा मतलब इधर। देखो भाई कि नहीं है डी ब्लॉक एलिमेंट, लक्ष्य ठेव, अभ्यास करो, काही अड़चण आहे मला सांग, बरोबर आहे का? ये चार पॉइंट आपको किससे पूछा जाएगा, ये चार पॉइंट मिनिमम मीन्स क्या होता है, सबसे लोएस्ट, जैसे पीक मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर ना, तो मिनिमम मतलब सबसे लोएस्ट। एक मैक्सिमम होगा, एक मिनिमम होगा। जैसे मान लो हमने कर्व बनाया ऐसे, ये मैक्सिमा है और ये क्या है, मिनिमा, सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला। समझ लो का आभा देश पांडे, चलो ये चार पॉइंट याद रखोगे ना, चार पॉइंट याद रखोगे तो लोथर मिरर से चार पॉइंट पूछा जाता है कि अल्कली मेटल का पोजीशन कहाँ है, अल्कलाइन का पोजीशन कहाँ है, हैलोजन का कहाँ है और ट्रांजिशन एलिमेंट का कहाँ है। लेकिन उस समय एलिमेंट्स बहुत कम सर्च हुए थे, इसलिए बाद में चल के फेल हो गया था, क्योंकि जैसे जैसे एलिमेंट बढ़ता चला गया ये कर्व काम नहीं किया, ठीक है। तो हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सबसे पहले पढ़ा क्या, डुबोर्नियर स्ट्रेट्स, आफ्टर डाइट न्यूलैंड्स, आफ्टर मेंडलिफ, आफ्टर मेंडलिफ के बाद लोथर मेयर, लोथर मेयर के बाद मॉडर्न प्यूरिक टेबल पढ़ा हमने। मॉडर्न पीरियड टेबल में हमने बहुत एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक के बारे में सीखा हमने। उसके बाद हमने नोमेनक्लेचर देखा, 101 के ऊपर नाम कैसे लिखा जाता, अन अन नियम। उसके बाद हमने ये सीखा कि एटॉमिक नंबर मोस्टले एक्सरे रे के फ्रीक्वेंसी निकाल के वो कैसे निकालता था। तो मुझे बताओ मोस्टले ने किसके बीच में ग्राफ बनाया था, मोस्टले ने किसके बीच में ग्राफ बनाया था, मोस्टले ने किसके बीच में ग्राफ बनाया था, वाह, एटॉमिक वॉल्यूम और मास के बीच में, गधेड़े, गधे, एक्सरे और एक्सरे का फ्रीक्वेंसी, एक्सरे में नहीं बनाया था सरकार, एक्सरे में नहीं बनाया था, एक्सरे का फ्रीक्वेंसी और जेड में बनाया था।
एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक नंबर में जो बनवाया था वो किसका बनाया था? वो तो लोथर मेयर का था। हम क्या पूछ रहे हैं? मोस्ले का। तो रूट अंडर फ्रीक्वेंसी और जेड में बनाया था, बताया था ना इक्वेशन, नहीं बताया था? यस और नो? एक्सरे स्पेक्ट्रा से, ठीक है। तो ये हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब लेवल वन बोले तो खत्म हुआ। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी राइट डाउन हेडिंग पीरियोडिसिटी राइट डाउन। अब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट वन फिनिश हो गया, पार्ट टू पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस, दूसरा हम स्टडी करेंगे इसमें आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तीसरा हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फोर्थ वन जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ठीक है, और एक दो है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटालिक कैरेक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट आभा देश पांडे इंथेल्पी मीन्स। इंथेल्पी का जब बारी आएगा ना तो बताएंगे, अभी आप लिख लो, ठीक है। जब बारी आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी समझा नहीं रहा ना, अभी लिखवा रहा हूँ कि ये पढ़ना है। पीरियोडिसिटी में हमें ये सब चीजें पढ़ना है, जब पढ़ाऊंगा तो जरूर इंथेल्पी का मीनिंग बताऊंगा। रिपीट सेकंड पॉइंट, आयोनाइजेशन इंथेल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ए डबल एफ आई एन आई टी वाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और के बाद लिखा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। विराज मराठी मीडियम से हो क्या तुम? विराज मराठी मीडियम से लग रहा है तुम्हें? नो क्या है, लगता है तुम हो, भले इंग्लिश मीडियम बोल रहे हो लेकिन तुम लगता है मेरे को मराठी मीडियम में हो तुम। लास्ट वन इज इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी लिख लिए। हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, फर्स्ट वी स्टार्ट विदिता, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथेल्पी। सबने लिख लिया,
मेरे प्यारे स्टूडेंट, हैव यू रिटेन कि नहीं? तुम लोग मीनिंग पूछते हो, मैं क्या करूं? चलो सर मीनिंग बताओ। जब ये पूछते हो ना तो ऐसा लगता है ना कि पत्थर से सर फोड़ लूं। लिखून झाला ना? नाउ विल स्टार्ट। रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो एटॉमिक रेडियस में जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस, इसका डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन का ही आहे एटॉमिक रेडियस। फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, रेडियस क्या होता है। कंपेयर करने के बाद कुछ इसमें एक्सेप्शन भी आएगा, कुछ एक्सेप्शन भी आएगा। एक्सेप्शन के बाद हम लास्ट में टाइप पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, क्रिस्टल रेडियस, नवजोत सी डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जानते हो नवजीत ना? पहले से तुम नवजोत है, पहले से जानते हो ना तुम? हाँ, और क्या क्या जानते हो रेडियस के बारे में जरा बताना। नवजोत बताओ, और क्या क्या जानते हो रेडियस के बारे में? टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, और क्या क्या जानते हो? अच्छा मेरे को ये बताओ नवजोत कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज क्यों करता है? जो लिख के भेजो डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड, क्यों ऐसा क्यों? योगिता निकम, टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज, क्यों? व्हाई? डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वन सेल गेट एडेड, बिकम सीधी, इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, सेल विल इंक्रीज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज, एटॉमिक नंबर वैलेंसी डिक्रीज, रेडियस इंक्रीज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज, दिस इज बिकॉज विद इन अ पीरियड ए फैमिली एलिमेंट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम सेल। एक सेम सेल, अच्छा नवजोत, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स वन सेल इज एडेड। चलो अब देखो तो बताओ व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर सेल। है टेंथ नहीं पड़ेगा? कोरोना बैच है क्या तुम लोग का? कोरोना बैच है ये, टेंथ पढ़े ही नहीं हो तुम लोग। सब कोई बोल रहा है कोरोना बैच है ये, वो कोरोना बैच हो तो लिखना डिफिनेशन। रेडियस का डिफिनेशन क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू आउटर सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल। तो द डिस्टेंस, the distance between nucleus to outer cell बोलो या valence cell बोलो, the distance between nucleus to outer cell is known as atomic radius। एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू आउटर सेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस, और इट इज मेजर्ड इसको मेजर किया जाता है पिकोमीटर में, पिकोमीटर, पीएम, एंगस्ट्रोम,
एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर। तो यहां से यहां के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10^-15। बाद में पढ़ेंगे तनिष्का, वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, अभी नहीं पढ़ेंगे। लिख लिए तो डेफिनेशन हो गया ना। अब देखो कंपेयर करेंगे, हमने लिख लिया होगा तो कोई भी चीज, ये भी लिख लिया हो ना क्या क्या पढ़ना है, नहीं लिखे लिखुन झलेला कि नहीं लिखुन झलेला, याद है कब तक क्या क्या पढ़ना है, बोर्ड पे एक चीज लिखना है। एस भी लिखे हो ना क्या क्या पढ़ना है, नहीं लिखे हो। अब देखो तो जो टेंथ में पढ़ के आए हो तो वो तो ठीक है, लेकिन अब ये मत सोचना कि हम जो पढ़ा रहे तो एटॉमिक रेडियस हमें आता है, तो स्टार्टिंग से इकड़े लक्ष्य ठेवा, बराबर क्या, और नंतर प्रयास करो अभ्यास करो, तो इकड़े लक्ष्य ठेवा सगड़े। क्वेश्चन नंबर वन, विच, अब हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं कंपेयर। नाउ सेकेंड पार्ट इज कंपेयर, कैसे कंपेयर किया जाए। विच हैज लार्जर, विच हैज लार्जर रेडियस, हम बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो सबसे पहले अगर हमसे बोला जाए आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस अलग होता है, एटम के रेडियस को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, आयन के रेडियस को आयनिक रेडियस बोलेंगे, आयन जब आएगा तब देखेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं क्या बोला तुमसे, आता है कि नहीं आता है, मैं नहीं पूछा हूं, जितना पढ़ा रहा हूं इधर ध्यान दो, और नहीं आगे नहीं आएगा ना तो सर फाड़ देंगे, पहले बता रहे हैं, इसीलिए अच्छे से जितना मैं बता रहा हूं एक चीज को ध्यान से सुनो, अगर आगे बोले कि सर मुझे नहीं आ रहा है तो सर फाड़ देंगे, पहले बता रहे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। और तुम बोलोगे सर हम ऐसे नहीं सीखेंगे, हम पहले से सीखे हैं, तो ध्यान देना, आगे मत बोलना कि सर फिर से सिखाओ, बराबर है क्या, तो जैसे सिखा रहा हूं वैसे सीखने का। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, तो एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 होता है, सोडियम का 11 है तो 11 होता है, पोटेशियम का 19 है तो 19 होता है। तो हम ऑर्बिट निकालेंगे, तो ऑर्बिट निकालने के लिए हम कॉन्फिगरेशन निकाल देंगे। सर तो इतना करने की क्या जरूरत, हम तो डायरेक्ट आता है ना, तुम्हें ना आता है, हमें नहीं आता है, तुम्हें आता होगा हमें नहीं आता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट हमने निकाल दिया, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आया 2, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आया 3, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना आया 4। तो हम देख पा रहे हैं कि इस रेडियस का वैल्यू जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है तो ये डिस्टेंस कम है, ये ज्यादा है, ये और ज्यादा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा किसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो हमने सबसे पहले निकाला नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या आया, सबका अलग अलग आया, किसी का 2 आया, किसी का 3 आया, किसी का 4 आया, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या आया, अनइक्वल। ध्यान से समझना और एक एक पॉइंट को नोटबुक में लिखना, नहीं तो आगे चल के अगर मैं क्वेश्चन दिया तुम्हें नहीं आया तो मैं सर फाड़ दूंगा, अभी मिलोगे नहीं फिर
बुलाना पड़ेगा तुम्हें। समझ में आ गया श्री गुरु? 50 बार मैसेज भेजो, समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिट निकालेंगे तो जिसका ऑर्बिट ज्यादा होगा उसका रेडियस क्या होगा? ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा? मोर ऑर्बिट मोर रेडियस। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि हॉलिना यानी टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होगा? रेडियस विल इंक्रीज। कोई पूछेगा क्यों इंक्रीज हो रहा है, कोई नहीं क्वेश्चन में पूछेगा तो हम बोलेंगे कि टॉप टू बॉटम ऑर्बिट विल बी इंक्रीज। तुमसे भूलवा के और भी ऑप्शन दिया जाएगा, तुम भूला मत जाना। नंबर ऑफ ऑर्बिट विल इंक्रीज। तुमसे क्वेश्चन में बोलेगा कि न्यूक्लियर चार्ज विल डिक्रीज, ये फलाना ढेकाना बहुत पूछेगा, वो आंसर तुमसे भुलवाने के लिए बोलेगा, लेकिन तुम भुलाओगे नहीं, केवल बोलोगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इंक्रीज, ये इसका रीजन है, ठीक है? तो तुम पहले इतना लिखो, फिर हम आगे के बारे में बात करते हैं। अगर किसी के मन में है कि हम पहले से जानते हैं तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो कृपया वो ध्यान दे, इधर लक्ष्य ठेवा। देखिए तुम कितना जानते हो मुझे मालूम है, बराबर आएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। रोहन सर, रेडियस टोटली डिपेंड अपॉन ऑर्बिट और एनी फैक्टर आल्सो। भैया मेरे और भी फैक्टर पे डिपेंड करेगा, वो आगे बताएंगे। रोहन भैया समझ लो का? अगर क्वेश्चन में आगे दिया नहीं बनाए तो श्री गुरु तुम्हें आना पड़ेगा, कौन आएंगे सर फोड़ेंगे तुम्हारा, हम पहले बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन दिया नहीं आया है चल आगे पढ़े, हमने लिख लिया ना, चलो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो टॉप टू बॉटम रेडियस काई होई तो इंक्रीज होई तो। अब हम बात करेंगे, अगर हमारे को क्वेश्चन दिया जाए कि विच हैज लार्जर रेडियस, किसका रेडियस ज्यादा होता है, और एग्जाम्पल में दिया जाए लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, हमें सबका रेडियस का कंपेयर करना है। किसका किसका? लिथियम का बेरिलियम का बोरॉन का नाइट्रोजन का कार्बन का ऑक्सीजन का फ्लोरीन का, इनका हमें रेडियस कंपेयर करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 9 इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन, बराबर ना? फिर हम कॉन्फिगरेशन निकाल देंगे। कॉन्फिगरेशन से क्या मालूम चलेगा कि ऑर्बिट कितना है,
ऑर्बिट कितना है। तो हमने इलेक्ट्रॉन निकाला और ऑर्बिट निकाला। भले टाइम लग रहा है तो लगने दो, प्रोसेस से ही बनाएंगे हम, बराबर आएगा। तो दो ऑर्बिट हो गया, दो ऑर्बिट आ गया, सबका कितना ऑर्बिट आया, दो दो आ गया, सबका दो दो है ना, सबका कितना है, दो दो है। तो जब ऑर्बिट दो दो है तो ऑर्बिट क्या आ गया, इक्वल। अनइक्वल आता तो हम कंपेयर कर लेते, तो इफ ऑर्बिट विल बी इक्वल, अब ऑर्बिट आ गया इक्वल तो हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं ना। इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट, इफ लगा हुआ है, यहां लगा हुआ इफ, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल तो हम जाएंगे देन गो टू प्रोटॉन। हम कहां जाएंगे, प्रोटॉन के पास, प्रोटॉन चेक करेंगे, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, 3 proton, 4 proton, 5 proton, 6 proton, 7 proton, 8 proton, 9 proton। अब हम देखेंगे कि यहां पर ये जो प्रोटॉन है जो इस इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचता है, क्यों क्यों खींचता है बताओ, क्यों खींचता है, क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन किस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो देन गो टू प्रोटॉन, हम प्रोटॉन के पास जाने के बाद क्या सोचेंगे, तो मैं अभी लिख रहा हूं यहाँ पे डायरेक्ट, प्रोटॉन ज्यादा, प्रोटॉन अगर ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का टेंडेंसी क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैसा अट्रैक्शन, क्योंकि जितना ज्यादा पी फॉर पर्सन, मान लो पी फॉर प्रोटॉन होता है, पी फॉर पर्सन मान लो, इस इलेक्ट्रॉन्स को 9% अपने तरफ से खींच रहा है, इसको 8% खींच रहा है, इसको 7 है, इसको 5%, इसको 4%, इसको 3%, यानी जितना ज्यादा पर्सन होगा उतना ही अट्रैक्शन अंदर के तरफ, न्यूक्लियस के तरफ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रोटॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, मैं सिंबल में लिख रहा हूं ज्यादा, इंक्रीज, मोर प्रोटॉन मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी रेडियस विल बी डिक्रीज, छोटा हो जाएगा ना, ये यहां से यहां, अब बलून्स को तुम ऐसे करोगे दबाओगे तो क्या होगा, बलून्स छोटा हो जाएगा, ये इधर खींच रहा है तो खींचेगा तो रेडियस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी प्रोटॉन के पास जाने के बाद क्या सोचना है, मोर प्रोटॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, मैं शॉर्ट में लिखा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेडियस कम होगा, यानी इसका प्रोटॉन ज्यादा। लेकिन प्रोटॉन के पास डायरेक्ट मत चले जाना, प्रोटॉन के पास कब जाओगे, जब ऑर्बिट बराबर होगा तब, तो बिना बराबर ऑर्बिट में डायरेक्ट प्रोटॉन चेक करना माना है, डेंजर जोन है। तो इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल देन गो टू प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ज्यादा है तो रेडियस कम होगा, तो रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रेडियस डिक्रीज होगा, हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस विल डिक्रीज, रेडियस विल डिक्रीज, क्यों डिक्रीज होगा, रीजन पूछेगा तुमसे, हम लिखेंगे कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ने का मतलब, प्रोटॉन बढ़ने का मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस प्रोटॉन में, न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए रेडियस क्या हो जा रहा है, डिक्रीज। तो इसका अलग रीजन था, इसका अलग रीजन है, तो रीजन अलग अलग है,
नहीं, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट नहीं, आराम से पढ़ाया। सबको समझ में आ गया? ओके, तो जब रेडियस बराबर होगा तो कहां जाओगे? रेडियस बराबर होगा तो मैं स्टार्टिंग में समझा दिया था कि मत बोलना कि दोबारा सर ये करो वो करो, ठीक है? प्रोटीन के पास जाओगे कि प्रोटॉन के पास जाओगे? तो जब रेडियस बराबर, ऑर्बिट बराबर होगा तो कहां जाओगे? प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस क्या होता है? कम होता है। तो हमें प्रोटॉन के पास कब जाना है? प्रोटॉन के पास कब जाना है? When will go to proton if orbit will be same? अगर ऑर्बिट सेम हुआ तो कौन डिसाइड करेगा रेडियस को? प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस, प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम। समझ लो ना? नहीं समझ लो? चलो, ये सामने लिख लिया, लिखुन झाले लो, कंप्लीट पूरा लिखे ना। ऑर्बिट बना रहे हो ना? ये बना रहे हो कि नहीं? ऑर्बिट है, नहीं बनाए तो आंख सर दोनों फोड़ देंगे, पहले बता रहा हूं मैं। अगर ये ऑर्बिट वगैरह नहीं बनाया जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, और बाद में पूछोगे सर फिर से बोलो, तो सर फोड़ देंगे, पहले बता रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूं, एक बार में समझ जाने का, नहीं तो मैं दो को तो पकड़ूंगा, एक श्री गुरु को, एक नवजोत सिंह को। अगर नवजोत को इधर उधर हुआ फिर वो जाएगा डायरेक्ट पंजाब। कोई नवजोत हो गया तुम्हारा? नवजोत हटा दो इसको। चलो अब हम नेक्स्ट आते हैं। हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन, तो लेफ्ट टू राइट जाता हो तो रेडियस डिक्रीज होता है। डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन बढ़ता है। यानी न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चलो नेक्स्ट। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द रेडियस। हमारे सामने क्वेश्चन है अल्मुनियम, अल्मुनियम प्लस, अल्मुनियम प्लस टू, अल्मुनियम प्लस, अल्मुनियम प्लस टू। अब हमें इसका रेडियस का कंपेयर करना है। तो सबसे पहले ज्ञान की बात, सबसे पहले क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो मुझे तीनों का लिख के बताओ एक ही बार में कि कितना कितना इलेक्ट्रॉन है।
लिख के भेजो, मैं जानना चाहता हूं किसको किसको ज्ञान की इसमें प्राप्ति है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताओ जल्दी जल्दी, एक ही बार में लिख के भेजना तीनों का। श्वेता का आया बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। एक सोनाली क्या गलत आ गया, पकड़ में आ गई सोनाली। रोहन का सही है, हर्ष का सही है, और बोलो आगे प्रसाद का सही है। एक ये कौन है, विश्व दर्शन कौन है, ये सिद्धि, संकेत, निहारिका, जयंत, सानिया, सोनाली, श्री गुरु, एक ही लिख के भेजो और बाकी हम लिखें। अब ईमानदारी से बताओ किसको किसको इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने आता है, ईमानदारी से बताओ किसको किसको इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने आता है। चलो मैं नाम नहीं लूंगा, और बताओ, एक नाम आया और नाम भेजो, मैं नाम नहीं लूंगा। दूसरा भी नाम आया, वो भी नाम मैं नहीं लूंगा, तो ईमानदारी से बता दो तब तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं तो स्किप करके आगे निकल जाऊंगा। अगर मैं मान लूंगा कि तुम्हें आता है, मैं स्किप करके आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि तुम यहाँ सीखने आए हो। तो अगर तुम्हें मैं बोलूं कि आता है, ठीक है, चार चार आए, और चलो पांच आ गया, ठीक है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन का। अब तुम बोले तो मैं बताता हूँ, नहीं बोलते तो आगे निकल जाते। तो ध्यान से देखो, अल्मुनियम का देखो, यहाँ ध्यान से, यहाँ पर अलग से एक बॉक्स में लिख लेना। देखो अल्मुनियम का एटॉमिक नंबर, चाहे ये मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, ये सब पे लागू होगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 13, होता है ना। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही प्रोटॉन होगा। क्या ये पहला बात क्लियर हो गया, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर, तो तुम्हें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए 20 तक 30 तक कॉन्फ़िगरेशन निकलवाया था ना फंडामेंटल में, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होना चाहिए, होता है, होता है। अब देखो अगर इस पे प्लस चार्ज लगा है, अगर एक केटायन है, केटायन मतलब प्लस, केटायन मतलब प्लस, तो आप जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से, अगर केटायन है तो उसमें से माइनस करोगे, यानी माइनस करोगे आप, निगेटिव करोगे। और याद रखना ये इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, यानी अगर केटायन है तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लूज हुआ है, तो आप माइनस करोगे किसमें, इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन ध्यान रखना प्रोटॉन नॉट चेंज, क्यों, तुम लॉस किसको किए हो, इलेक्ट्रॉन को किए हो ना, तो प्रोटॉन थोड़ा चेंज होता है, प्रोटॉन चेंज नहीं करना है आपको, तुम लॉस गेन किसका करते हो, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस घटाओगे बढ़ाओगे ना, कि प्रोटॉन का करोगे, प्रोटॉन तो लॉस गेन होता नहीं है। अगर एनायन है, एनायन एनायन है, तो एनायन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है, यानी इसमें वैल्यू जोड़ा जाता है इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन फिर से नहीं चेंज होगा, प्रोटॉन फिर से चेंज। अब एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं, देखो अल्मुनियम है, अल्मुनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 13 इलेक्ट्रॉन होगा और 13 प्रोटॉन होगा। अब अल्मुनियम प्लस है, अल्मुनियम प्लस का भी एटॉमिक नंबर 13 ही होगा, चेंज नहीं होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन प्लस का मतलब क्या हुआ, लूज हो गया है, तो आप 13 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देना, 12 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप ये मत बोलना कि प्रोटॉन भी एक कम हो जाएगा, नहीं, प्रोटॉन जितना है उतना ही रहेगा, हाँ इलेक्ट्रॉन जरूर कम हो गया है एक। अगर मान लो अल्मुनियम प्लस 2 चार्ज है, ध्यान से समझना,
तो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स को आपको लूज करवाना है। प्लस टू का मतलब दो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, प्लस टू का मतलब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो 11 इलेक्ट्रॉन। और आपको प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि आपने प्रोटॉन नहीं लूज किया है, इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो यहां पर प्रोटॉन, यहां पे प्रोटॉन और यहां पे प्रोटॉन, तीनों जगह प्रोटॉन क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, लूज हो रहा है, तो कम होता जा रहा है। पहले इतना लिखो जिसको नहीं आता है, जिसको आता है वो भी लिख लो। अगर आगे बोले कि नहीं आता है इलेक्ट्रॉन निकालना तो फिर तो प्लस होगा, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है। और प्रोटॉन नहीं चेंज करना है, अगर माइनस है तो माइनस के लिए आगे एग्जाम्पल ले रहा हूं, पहले इस पे समझ लीजिए। अब पहले के स्टेप आगे आप लोग चले जाते हैं, केटाइन के लिए बताया ना, अभी एनाइन के लिए बताएंगे। ऐड करते हैं, समझ लो भोसले साहब, प्लस होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे और माइनस होगा तो ऐड करेंगे इलेक्ट्रॉन को, लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं हो तो, प्रोटॉन चेंज होगा क्या, नहीं। अगर प्लस होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितना प्लस होगा उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझ लो का तनिसा बार दिया, बढ़ दिया, कई कई समझ लो सांगो। अच्छा, दो दो तनिष्का है क्या, एक तनिषा है एक तनिष्का है, तनिष्का सुर्वे और तनिषा बार्डिया। सांग बार्डिया काई काई समझ लो। इलेक्ट्रॉन लूज करता है और प्रोटॉन गेन करता है, कौन लिख के भेज दिया शांतनु। अरे बाइडिया अंडरस्टूड सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अंडरस्टूड किए, क्या कही तुम क्या क्या समझे मेरे को बताओ, ये क्या भेजे हो शांतनु, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और प्रोटॉन गेन करता है, एक गधेड़े, प्रोटॉन कहाँ गेन होता है, एक से एक कहाँ से तुम लोग को पकड़ के लाए सब, तुम लोग 10th में नहीं पढ़े हो क्या, कोरोना बैच हो, कोरोना बैच है ना, कोरोना बैच है, 10th में दिन साल भर घर पे रहे हो तुम लोग। अगर केटायन है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, लूज होता है, एटॉमिक नंबर में से माइनस करने का, जितना चार्ज होगा उतना माइनस करने का, प्लस वन है तो प्लस वन, प्लस टू है तो प्लस टू, प्रोटॉन में कोई चेंजेज। अब हम ऑक्सीजन एनायन के लिए बारे में बात कर लेते हैं, तो देखो एनायन में क्या होगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा और 8 प्रोटॉन होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 होता है, लेकिन ओ माइनस, अब 8 इलेक्ट्रॉन तो है माइनस है, तो माइनस होता है गेन करवा देना है, तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन उतना ही रहेगा। अब मान लो ओ माइनस 2 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो पहले से था ही, दो गेन करवा दो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहां पर 8 प्रोटॉन अभी के अभी बना रहेगा, तो प्रोटॉन विल बी नॉट चेंज,
वो एटम चाहे इलेक्ट्रॉन्स को एनायन हो चाहे केटायन हो, पेरेंट्स एटम और एनायन का प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो जाएगा। लिखो इसको, व्हेन चार्ज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रॉन्स लूज, हाँ, व्हेन नेगेटिव देन गेन, बट प्रोटॉन नॉट चेंज, बिल्कुल। और ढिंगरा स्वाति देश पांडे, इन केटाइन इलेक्ट्रॉन लूज व्हेन केटाइन चार्ज विल अप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन, एनायन इलेक्ट्रॉन गेन। हाँ श्री गुरु, तो केटाइन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है और एनायन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता है। क्या ये बातें सबने लिख लिया, समझ में आ गया, दिलो दिमाग में, दिमाग में बैठ गया ना, तो लिखने से नहीं, दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा, बैठ गया ना। चलो तो अब मुझे बताना है, हटा दूं अब, तो हम पढ़ा रहे थे रेडियस, सब पढ़ाने लग गए, इलेक्ट्रॉन निकालना प्रोटॉन निकालना। चलो तो हम पहले इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 13। क्यों 13 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 है, 13 में से चला गया 12 और यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन, तो हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो ऑर्बिट निकालने आता है ना तुम्हें, के भी नहीं आता है, है? ये भी नहीं आता है तो बोलो, मैं सर पटक के फोड़ लूं अपना, आता है ना, तो यहाँ 3 ऑर्बिट आ गया, 3 ऑर्बिट आ गया। अब बताओ इसमें कहाँ गया वो नवजोत सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू, ऑर्बिट इक्वल आ गया, ऑर्बिट क्या आ गया, इक्वल, तीनों का ऑर्बिट क्या है, सेम है ना, ऑर्बिट तीनों का सेम है कि नहीं है, सांगो, तो ऑर्बिट सेम है तो कहां जाएंगे, प्रोटॉन के पास, यहां डिसीजन नहीं लेंगे ना, ऑर्बिट विल बी सेम देन गो टू प्रोटॉन, तो बताओ यहां पर कितने प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है, बताओ यहां पर कितने प्रोटॉन है, जल्दी बताओ यहां कितने प्रोटॉन है, 13, जल्दी बताओ यहां पर कितने प्रोटॉन है, कोई 11 भी भेजा है, 13, प्रोटॉन चेंज नहीं होगा, तो हमारा प्रोटॉन भी फेल हो गया, प्रोटॉन अलग अलग होता तब ना डिसीजन लेते, तो इफ प्रोटॉन विल बी सेम, इफ प्रोटॉन विल बी सेम, अगर प्रोटॉन सेम होगा तो कहां जाओगे, तो हम जाएंगे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के पास, बताओ कहां जाओगे, आउटर सेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास जाओगे। अब ध्यान दो, पहले बाकी चीजें और भी समझाएंगे, पहले ध्यान दो, P4 क्या बोला था, पर्सन, तो पहले एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ध्यान से बताना, 13 पर्सन, इसको आप ऑब्जेक्ट मान लो, 3 kg है, 2 kg है और 1 kg है, पहले समझ लो, हो गया, तो 13 पर्सन 3 kg के ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, 13 पर्सन 2 kg के ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, 13 पर्सन 1 kg को ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, तो बताओ एट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, 3 kg में होगा या 1 kg में होगा, जल्दी से बताओ, देखो एक ने बोला 3 kg, सिद्धि ने, तुम 3 kg को ज्यादा खींच लोगी, एकदम माइंड में दिमाग में भूसा ही भरा हुआ है, 3 kg को ज्यादा खींचा जाएगा कि 1 kg को, तुम ट्रक को खींच लोगे कि स्कूटी को खींच लोगे, स्कूटी को, तो ये ट्रक है या स्कूटी है, तो तुम्हें जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इक्वल हो जाएगा, इफ प्रोटॉन विल बी इक्वल, तो हमें कहां जाना है, बाकी चीजें बाद में समझाऊंगा, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझो, हम जाएंगे आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास, कहां जाएंगे, आउटर सेल
शेल के इलेक्ट्रॉन के पास। अब जाके क्या सोचोगे, जिसका आउटर शेल में कम इलेक्ट्रॉन उसका रेडियस। अब मान लो ये इसको ज्यादा खींचेगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, छोटा होगा कि नहीं होगा। एक केजी को ज्यादा खींच रहा है ना, ये स्कूटी है एक ट्रक है तो स्कूटी ज्यादा खींच के आ रही है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो रेडियस भी कम हो जाएगा। यानी उल्टा भी बोल सकते हो कि आउटर सेल का अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो रेडियस ज्यादा होगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम होगा। बाकी चीजें बाद में। तो ये तुम्हारा सीटी का लेवल है, ये नीट का लेवल है और ये जेई का लेवल है। सीटी में इस लेवल पे क्वेश्चन पूछेगा, जे नीट में इस लेवल पे पूछेगा और जेई में इस लेवल पे पूछेगा। तो अब मुझे बताओ कि जिसका आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा। आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो रेडियस ज्यादा। ये सगड़े समझ लो कि नहीं समझ लो ते माला सांगा। समझ लो, तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तो रेडियस क्या होगा, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो रेडियस क्या होगा, ज्यादा। और भी इस पे समझाएंगे, पहले लिख लो। अच्छा ये लिख रहे हो ना बॉक्स, ये एक पेज पे एक बॉक्स बना के सुंदर से लिखना है। सुंदर मतलब अच्छे से, ये बॉक्स को, ये बॉक्स इतना ही है। सर बट प्रोटॉन विल बी सेम, तनिष्का तो प्रोटॉन सेम होगा तभी ना इस पे जाएंगे जी। यहां से यहां तब आएंगे जब ऑर्बिट इक्वल होगा, जब प्रोटॉन इक्वल होगा तब ना कहां जाएंगे, आउटर सेल पे। जब प्रोटॉन सेम होगा तब हमारे पास दूसरा उपाय क्या है, सर बट इफ प्रोटॉन विल बी सेम, इफ प्रोटॉन विल बी सेम देन वी गो टू आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। इफ प्रोटॉन विल बी, प्रोटॉन विल बी सेम देन वी गो टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। एंड अगर आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रॉन मोर रेडियस। अभी और समझाएंगे क्यों, अभी मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट पे समझाया हूं। तीन केजी को और एक केजी को, एक केजी को ज्यादा खींचेगा इसलिए कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो प्रोटॉन सेम हो जाएगा तो कहां जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास, वैलेंस सेल के पास। कई समझ लो, तनिष्का सुरभे सुभे सुरभे सुरभे मैं पहले ही बोला था कि देखो मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, ये टेंथ क्लास नहीं है कि तुम जितना जानते हो उतना भी और पढ़ाएंगे इसमें, तो इसलिए सोचोगे तो हल्का हम टेंथ में पढ़ के आए हैं तो यहाँ दिमाग की बत्ती जल जाएगी, ठीक है, फिर सोचोगे काश ध्यान देके पढ़े होते। और सबको समझ में आ गया, नवजोत सिंह कहाँ चला गया, खाना खाने क्या, अंकिता प्रिया माली सिद्धि तनिष्का काई अर्चन संस्कार चलो, तो मैं क्वेश्चन दूंगा तो तुम बना लोगे पक्का।
अगर मैं क्वेश्चन दिया तो पक्का बना लोगे? चलो तुम लोग से पहले एजीजी क्वेश्चन पूछते हैं, फिर तुम्हें घुमाएंगे इधर से उधर। ये बॉक्स लिख लिया सबने? ये बॉक्स एक पेज पे होना चाहिए, इतना ही हमें। अब ये मत सोचना कि सर आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन भी सेम हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे, अब नहीं सेम होगा। अगर सेम हो गया तो घर चले जाना, बोलना हमें नहीं आता है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताओगे, राइट डाउन क्वेश्चन की अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस बताना है, ठीक है। फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, सोडियम, चलिए जी बताइए। और रट के नहीं बताना है, कैसे बताना है, जैसे जैसे मैं स्टेप बताया, कोई अपना फालतू का दिमाग नहीं लगाएगा, जो मन करेगा वो नहीं लिख दोगे, जैसे जैसे मैं स्टेप बताया यहाँ से वैसे वैसे करो, एक एक स्टेप पे जाओ और पता करो। कोई मुझे जल्दी नहीं है, आराम से आंसर दो, 10 मिनट लगाओ, 15 मिनट लगाओ, का ही क्या बोलते हैं मराठी में, कोई समय की कमी नहीं है, मतलब कोई जल्दी नहीं है, काई गड़बड़ करो ना, का बड़बड़ आएगा। एक आंसर आया है, तुम निकाल लिए इसका आंसर, क्यों, क्या मतलब, वो नहीं एटॉमिक नंबर नहीं याद है, एटॉमिक नंबर तुम नहीं याद है, जेई की तैयारी करने का, नीट का, जेई का या नीट का, कल से हथौड़ी लेके आना, हथौड़ा मेरे सर पे मार देना, कम से कम अच्छा रहेगा ना, एटॉमिक नंबर नहीं आने तो कैसे फिर जेई क्वालिफाई करोगे। चलिए जी देखिए, सबसे पहले रटने वाला कोई काम नहीं करेंगे। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15, P4 15 और P4 फास्फोरस, S4 16, S4 सल्फर, अच्छा ना याद करने का तरीका, S4 सल्फर और S4 16, P4 फास्फोरस और P4 15, सिलिकॉन का 14 होता है और सोडियम का 11 होता है। चलो तो हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कितने ऑर्बिट आ गए, 3 ऑर्बिट, तो ऑर्बिट इक्वल आ गया ना, तो हमने क्या बोला, इस बॉक्स में सबसे पहले का ही निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर क्या निकालो, ऑर्बिट। अब यहां जाना है कि यहां जाना है, देख के समझ में आ रहा है, कहां जाना है, ऑर्बिट इक्वल आ गया, ऑर्बिट इक्वल आ गया तो कहां जाना है, प्रोटॉन के पास जाओ, प्रोटॉन के पास, फास्फोरस के 15 इलेक्ट्रॉन, 15 प्रोटॉन, 16 प्रोटॉन, 14 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्या हम डिसीजन लेंगे, प्रोटॉन ज्यादा तो रेडियस कम, किसका प्रोटॉन ज्यादा है, सल्फर का, रेडियस कम, फिर किसका है, फास्फोरस का, फिर किसका है, फिर किसका है, सोडियम का, जितना कम प्रोटॉन उतना रेडियस ज्यादा, और ऐसे भी तुम जानते हो कि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या आता है, सिलिकॉन, अल्मुनियम, अल्मुनियम आता है, अल्मुनियम के बाद क्या आता है, सिलिकॉन, फिर क्या आता है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, तो लेफ्ट टू राइट रेडियस क्या होता है, डिक्रीज,
तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा बेटर है कि तुम पहले तरीका सीखो, लेफ्ट टू राइट बाद में लगाना, ये लेफ्ट है ये राइट है। क्लास ओवर हो गया, ये कैसे हो गया जी? सवा एक को क्लास ओवर हो रहा है। दस मिनट है अभी। कौन है क्लास ओवर वाला? उसका मुझे आईपी एड्रेस निकालना पड़ेगा क्या? आईपी एड्रेस निकाल के मैं घर पे पहुंच जाता हूँ, मालूम है कि नहीं तुम्हें? एफ आई आर करके आईपी एड्रेस यहाँ से निकलता है, मालूम है ना? आईपी एड्रेस से तुम्हारा सब कुछ एड्रेस निकल जाएगा। क्या हो गया? नहीं, 15 में है ना, पहले ही छोड़ दे गया? ये सबको समझ में आ गया? ट्रिक टू फाइंड एटॉमिक नंबर, रटना पड़ेगा, पुस्तक रट लो। पीरियोडिक टेबल में बताया था ना, चलो नेक्स्ट बताओ। तो जिसको एटॉमिक नंबर नहीं याद है ना, तो आज 30 तक याद कर लेना गधेड़े। मैं फंडामेंटल में तुम्हें 30 तक कॉन्फ़िगरेशन जब निकलवाया था तो एटॉमिक नंबर नहीं याद किए थे तुम? हम एटॉमिक नंबर याद करेंगे। और 10th क्लास में क्या करो, सही में तुम लोग कोरोना बैच के हो। चलो नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए जी। अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस, यही है। नेक्स्ट है बोरॉन, सोडियम और कैल्शियम। टीचिंग इज नाइस, ऑल कॉन्सेप्ट आर गेटिंग क्लियर। अभी तो क्रिस्टल क्लियर होगा तुम्हारा, अभी दिमाग की बत्ती जलेगी। और नहीं जलेगी ना तो सुबह क्या करना, वो एक रामदेव बाबा का वो आता है पीने वाला, सुबह सुबह पीना, दिमाग चमकने लगता है। हाँ, बहुत जने बोरॉन बोल रहे हो, कोई क्लोरीन बोल रहा है, उसमें क्लोरीन भी लिखे हो। श्री गुरु, क्लोरीन तुम्हारा कहाँ से आ गया? क्लोरीन कहाँ दिख रहा है तुम्हें? इतना मार मार देंगे ना। NH कोई सी लिख रहा है, गधे। ये कैल्शियम है, कैल्शियम, ये कैल्शियम है। कोई कार्बन लिख रहा है, कोई बोरॉन लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई क्लोरीन लिख रहा है। चलो मैं निकालू, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5।
बोरॉन का भी नहीं याद है तुमको? है सोडियम का कितना होता है 11, कैल्शियम का कितना होता है 20। जिसको नहीं याद है याद कर लीजिए, नहीं तो अपना घर का एड्रेस दे दो, मैं घर पे आके याद करवा दूंगा सबको। बराबर क्या? घर का अपना अपना एड्रेस दे दो, घर पे आके 30 तक सबको याद करवा के जाऊंगा। बराबर है ना? तो कितने ऑर्बिट हो गए? 2 ऑर्बिट। कितने ऑर्बिट? 3 ऑर्बिट। कितने ऑर्बिट हो गए? 4 ऑर्बिट। तो कौन कौन प्रोटॉन के पास गया है? प्रोटॉन के पास कौन कौन गया है, इसलिए आंसर उसका बोरॉन आया है। एक गधे है, जब नंबर ऑफ ऑर्बिट अनइक्वल है तो प्रोटॉन के पास क्यों जाएंगे? प्रोटॉन के पास तब ना जाओगे जब इफ लगा हुआ, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल। यहाँ 2 ऑर्बिट है, यहाँ 3 ऑर्बिट है, यहाँ 4 है, तो ये तो जिसका आंख नहीं है वो भी बता देगा कि इसका रेडियस ज्यादा आएगा। तो बोरॉन का सबसे कम, तो तुम लोग, हमें लगता है कि जिसका बोरॉन आंसर आया है ज्यादा, कई जाने भेजे भी हैं बोरॉन, वो प्रोटॉन के पास गए हैं। एक गधे है, प्रोटॉन के पास कब जाना है? जब नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या आता है इक्वल, तब प्रोटॉन के पास जाना है। यहाँ प्रोटॉन के पास नहीं जाओगे क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिट इक्वल नहीं है। सब समझ लो का? अगले समझ लो। कर्नाटक में है, सबरे समझ लो। सबसे पहले क्या निकालना है? ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट। इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी अनइक्वल देन वी टेक ए डिसीजन। इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल देन गो टू, इफ लगा हुआ, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इक्वल देन गो टू प्रोटॉन, इफ प्रोटॉन विल बी इक्वल देन गो टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर, रेडियस मोर। तो कल इसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, समझ लो का? फिर एक्सेप्शन बताएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल। जाओ खाना।